रिटर्न के नॉर्ज पे। इन्फीबीम का शेयर का प्राइस अभी थोड़ा सा डाउन हो रहा है। इन्फीबीम का लेके देखेंगे तो कंपनी ने जो कुछ नए पार्टनरशिप किया है और जो शेयर मार्केट के दिग्गज है उन लोगों ने इन्फीबीम के शेयर को लेकर रिसर्च किया है और यहाँ पे ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इन्फीबीम को लेके, इन्फीबीम के शेयर को लेके, जिसके चलते हो सकता है कि एक कंपनी का शेयर आगे एक रिटर्न दे। अभी यहाँ पे इन्फीबीम जैसे कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो इन्फीबीम ने किया है तो आगे चल के इन्फीबीम का बिजनेस में क्या हो सकता है, मतलब ये जो कंपनी है इसका बिजनेस कितना ज्यादा प्रॉफिट कर सकता है और यहाँ पे जो शेयर मार्केट के दिग्गज है उनका क्या कहना है, इन्फीबीम के शेयर का एक लेवल क्या है, मतलब जो इसका टारगेट प्राइस है और कितना तक इसका स्टॉप लॉस वगैरह होना चाहिए इन्फीबीम को लेके, तो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, केपीवी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोवाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की। इन्फीबीम का जो शेयर का प्राइस है एक साल में देखेंगे तो 100% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट्स जो है शेयर मार्केट के इन लोगों के इसमें से देखेंगे तो एक सपोर्ट जो है इन्फीबीम के शेयर का जो कि 27 और 25 रुपीज के बीच में है, 27 से लेके मतलब 25 से लेके 27। अभी यहाँ पे जिसका टारगेट प्राइस दिया गया है कि अभी यहाँ पे कोई शेयर खरीदता है इन्फीबीम का तो क्या टारगेट प्राइस है 36 रुपीज का है। तो यहाँ पे जो इन्फीबीम के शेयर का एक टारगेट प्राइस दिया गया है 36 रुपीज के आसपास। टेक्निकली शेयर फिलहाल अभी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वगैरह नहीं है, एक न्यूट्रल लेवल पे शेयर चल रहा है। अभी इन्फीबीम का जो पार्टनरशिप हुआ है जो कि एआई डेवलपमेंट को लेके हुआ है, देखिए दोस्तों आपको अगर मतलब कोई अगर इन्फीबीम का शेयर खरीदता है अभी यहाँ पे तो इन्फीबीम का बिजनेस को अगर समझते हैं तो कंपनी जो है बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पार्टनरशिप वगैरह कर रहा है। तो फिलहाल कुछ दिन में जो है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इन्फीबीम ने किया है। कंपनी का बिजनेस जो है इंडिया के बाहर भी अच्छा खासा इसका बिजनेस है। इन्फीबीम एवेन्यू जो है यहाँ पे देख सकते हैं जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है इसका, इनोवेटिव जो प्रोजेक्ट है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि EDII के साथ इसने एक पार्टनरशिप किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट साइन किया है कंपनी ने, जहां पे EDII को जो है फ्रंट एंड ऑफ इंटीग्रेशन एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी जो सर्विस है वो इन्फीबीम प्रोवाइड करेगा। AI एडॉप्शन एवं कंपनीज स्टार्टअप्स एंड MSME, तो ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डील हुआ है इन्फीबीम और EDII के बीच में, एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते इन्फीबीम को मिला है। EDII जो है EDII के ओर से जो बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप जो ये हुआ है जो कि अलायंस विद EDII मिशन, ये जो पार्टनरशिप हुआ है जहां पे EDII का कहा जा रहा है कि ये जो पार्टनरशिप हुआ है टू इज मतलब जो है एक बोल सकते कि जो प्रोमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी EDII जो है जो कि इन्फीबीम इंट्रोड्यूस्ड इट्स AI फैसिलिटी मैनेजर ए टूल डेजिग्नेटेड टू इंटीग्रेट विजुअल डेटा फ्रॉम कैंपस CCTV कैमराज टू मॉनिटर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। दिस टूल एम्स टू एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एट द इंस्टीट्यूट एवेंचुअली एक्सपेंडिंग टू कवर रिसोर्स एलोकेशंस ऑक्यूपेंसी मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें AI का इंट्रोड्यूस किया है इन्फीबीम ने और यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज जैसे कि CCTV से लेके एंट्री एग्जिट ये सब जो है डेटा ये सब में जो है इन्फीबीम सपोर्ट करेगा EDII को। अभी अकॉर्डिंग टू दैट देखिए अभी जो रिसर्च मतलब मार्केट में शेयर मार्केट के जो दिग्गज है जो रिसर्च किया है जो कि KR चोस्की की बात करते हैं, KR चोस्की शेयर्स जो है इन्फीबीम एवेन्यूज पोस्टेड मिक्स्ड, जो इसका Q4 24 का अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो कि मिक्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखने को मिला है जहाँ पे डिस्पाइट जो है कंपनी का लोअर देन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, मतलब कंपनी का जो अगर देखेंगे तो प्रॉफिट इसका एक जबरदस्त जंप है। रेवेन्यू की बात करते हैं जो कि 11.4% ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू हुआ है जो कि 726.9 करोड़ हुआ है। कंपनी के जो PE रेशियो है इन्फीबीम का दोस्तों जो PE रेशियो है यहाँ पे बोल सकते हैं कंपनी का जो PE रेशियो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू हुआ है ड्राइविंग बाई 53% ईयर ऑन ईयर राइज इन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग वैल्यू टू रुपीज 226.600 करोड़ एंड एन इम्प्रूवमेंट इन नेट टेक रेट टू 9.2 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम 9.0।
तो अब यहाँ पे EBIDTA है जो इन्फीबीम का, EBIDTA की बात करते हैं जो कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट वगैरह रहता है, EBIDTA जो है 43.7% इन्फीबीम का इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, जो कि 43.7% इंक्रीज हुआ है, जो कि हुआ है 48.2 मिलियन, लीडिंग टू एन इम्प्रूव्ड EBIDTA मार्जिन ऑफ 6.6%। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का Q4 24 के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कंपनी ने शेयर किया कुछ दिन पहले, जहाँ पे कंपनी का EBIDTA यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कंपनी का बोल सकते कि यहाँ पे जैसे कि PE वगैरह भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है, इन्फीबीम का पर्सनल कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस जो है डिस्पाइट हायर जो यहाँ पे डिप्रिसिएशन है। अभी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, जो PAT होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है जो कि 28.1% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन, जो कि 49.2 करोड़ हुआ है, पेट मार्जिन जो है 6.8% इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 28.1%, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है इंक्रीज हुआ है 6.8%। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे इन्फीबीम जो है फिलहाल देखेंगे तो शेयर मार्केट के जो दिग्गज है इनको लगता है कि ये कंपनी जो है यहाँ से आगे चल के एक अच्छा खासा बिजनेस जो है या फिर प्रॉफिट जो है कर सकता है। इन्फीबीम का देखेंगे तो इन्फीबीम जो है एम्स टू एक्सपेंड इसका जो इंटरनेशनली है बिजनेस है, जो कि सऊदी अरेबिया एंड यूए में और यूएस में जो है ये इसका बिजनेस को जो है एक्सपेंड कर सकता है, बिजनेस को जो यहाँ पे कुछ जो है एक्विजिशन वगैरह कर सकता है, कुछ बिजनेस जहाँ पे एक्विजिशन एंड न्यू स्ट्रेटेजीज। तो कंपनी जो है यहाँ पे इन्फीबीम एम कर रहा है इसके बिजनेस को आगे प्रॉफिटेबल बढ़ाने के लिए, फिर बिजनेस को आगे जो है बढ़ाने के लिए हो सकते हैं, जहाँ पे कंपनी जो है यूएस, सऊदी अरेबिया, यूए में कंपनी का जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक्विजिशन कर सकता है और कुछ नए स्ट्रेटेजीज यहाँ पे फॉलो कर सकता है कंपनी का बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अभी यहाँ पे कंपनी का देखेंगे तो टारगेटिंग है डबल डिजिट नेट टेक रेट बाई फाइनेंशियल 25। अभी यहाँ पे इन इंडिया कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज इट्स ऑफलाइन प्रेजेंस विद टैप पे एंड ऑफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू इट्स मर्चेंट्स। तो कंपनी जो यहाँ पे इन्फीबीम का बिजनेस को यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी यहाँ पे बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए प्रॉफिट यहाँ पे बहुत सारे काम कर रहा है। इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे कंपनी एक्विजिशन कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इंडिया में देखेंगे तो टैप पे मतलब ऑफलाइन में जो है अभी इन्फीबीम बहुत ज्यादा काम कर सकता है, जहाँ पे टैप पे के बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए और जो मर्चेंट्स है उसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मतलब जो है ऑफर कर सकता है, इन्फीबीम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी सप्लाई कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है जो इन्फीबीम है। अभी इन्फीबीम का देखेंगे तो केआर चोस की जो है इसका बोल सकते हैं कि जो ईवी सेल्स मल्टीपल 1.8x फ्रॉम 1.3x, जहाँ पे एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन द कंपनीज विजन एंड जो कंपनी अभी जैसे कि इंक्रीज हो रहा है इसका प्रॉफिट वगैरह विद बेटर जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन एंड हायर इंटरनेशनल रेवेन्यू। हाउएवर दे हैव एडजस्टेड देयर सेल्स जो कि देखेंगे तो फाइनेंशियल 2024 से लेकर 26 तक टू ए कंपाउंड एनुअल जो इसका रेट बताया जा रहा है जो कि 27.5% है। कंपनी माइट टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टू अचीव इट्स जो कंपनी का टारगेट्स है वो कंप्लीट करने के लिए थोड़ा समय यहाँ पे होल्ड करना पड़ सकता है। यहाँ पे जो एक टारगेट प्राइस दिया गया है इन्फीबीम के शेयर को लेके यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, जहाँ पे 41.70 पैसे का पहले टारगेट प्राइस दिया था वो टारगेट प्राइस जो अभी रिड्यूस करके 37.60 पैसे का दिया है। तो अगर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने इन्फीबीम के शेयर को लेके मतलब देखेंगे तो मतलब थोड़ा तो ज्यादा प्राइस में जो है बोल सकते हैं कि इन्फीबीम के शेयर में खरीदारी वगैरह करके रखा है कंपनी। अभी यहाँ पे देखते हैं तो एक बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए फिलहाल यहाँ पे। अभी जैसे कि शेयर अगर देखेंगे तो 32 के बीच में शेयर ट्रेड कर रहा है, 32 रुपीज के बीच में जो है इन्फीबीम का शेयर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक हाई प्राइस भी अगर देखते हैं तो जैसे कि केआरचोस की ओर से 37.60 पैसे का टारगेट प्राइस दिया गया है, तो यहाँ पे फिलहाल एक बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए इन्फीबीम के शेयर में। ओवरऑल दोस्तों इन्फीबीम को लेकर जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है हमें लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी का अगर आप देखते हैं इन्फीबीम का जो बिजनेस है जिसको लेके इन्फीबीम बहुत सारे काम कर रहा है इसके बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को मतलब जो है आगे बढ़ाने के लिए, इंडिया और इंडिया के बाहर कुछ एक्विजिशंस इन्वेस्टमेंट इन्फीबीम कर सकता है। अभी इंडिया में भी इन्फीबीम ऑफलाइन में काम कर सकता है जिसके चलते इन्फीबीम का बिजनेस यहाँ से जबरदस्त जंप हो सकता है। दोस्तों आपको कैसा लगता है इन्फीबीम का शेयर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं
खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।